हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा चैनल। तो प्लीज़ अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारे जो स्टूडेंट कमेंट करके बार बार लगातार यही पूछ रहे थे कि सर, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो कौन सा बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसी कॉलेज जो कि टॉप यूपी में से टॉप नर्सिंग कॉलेज है, उसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहें। तो गाइस, तो ये है विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ में स्थित है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो किंग चर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि KGMU आपने सुना होगा, तो उससे ये सर्टिफिकेट देता है, जैसे मतलब उससे ये मान्यता प्राप्त है, मतलब उस कॉलेज मान्यता प्राप्त है। तो इसमें आपको 4 साल का कोर्स जो BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य है BSc नर्सिंग मेडिकल फील्ड में जाने का, तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है उसमें BSc नर्सिंग का। तो आप गाइस इसकी बात करते हैं कि ये इसमें BSc नर्सिंग का फीस के कितने लगते हैं और कितना, ये 4 साल का कोर्स है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये 4th ईयर का कोर्स है और इसमें आपको रेगुलर कोर्स है, ये रेगुलर चलता है, बराबर कंटिन्यू पर डे आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और आपको इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए कंपलसरी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे आपने मैथ कर रखा है और आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप कुछ कोर्सेज हैं अवेलेबल जो कि आप वहाँ से कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो BSc नर्सिंग की बात करते हैं हम, तो इसमें आपको 50% मार्क्स की आप तो ज़रूरत है, इसमें आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी कम से कम एज 17 से कम तो होनी नहीं चाहिए। आप अगर 2003 हैं तो आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2004 है तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगले साल देखना आप। तो इसमें हम आपको ये बात करते हैं, तो ये एक तो विवेकानंद कॉलेज की बात करते हैं, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में स्थित है। तो इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ मेडिकल फैकल्टी, जैसे आप उसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ से आपके दोनों का बेस का मतलब 10 और +12th का मार्कशीट पर आपके दोनों जोड़ी जाएंगी, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, तो आपके उसके बेस पर भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज टॉप पर है। हम करते हैं ओनली BSc नर्सिंग की बात, और आपके सारे डाउट मैं आपको ग्रुप में आपके सारे चैट करेंगे। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपको लगते हैं 80,000 रुपये, जो कि फुल टाइम स्टडी है और मेडिकल एंड पैरामेडिकल और ग्रेजुएट एंड 4th ईयर्स कोर्सेज। इसकी बात करते हैं 80,000 रुपये आपको 1 साल का लगेगा, जो कि आपको सब कुछ जोड़ जाड़ के और आपको हॉस्टल का खर्चा और बाकी आपको जो कि और मतलब हॉस्टल का खर्चा और मेस का खर्चा वो आपका अलग कटेगा, जो आपको वहाँ पे जाके आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं GNM की, जो कि 3 साल का ईयर्स कोर्स है, जनरल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिफायरिंग एंड मतलब GNM, जो आपने बहुत सुना हुआ पॉपुलर कोर्सेज है, जो 3 साल का कोर्स है, ये एक डिप्लोमा कोर्सेज है। ये आप अगर मैथ से किए हो तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि ये है सेटेलाइट स्पेशलाइजेशन मेडिकल पैरामेडिकल, मतलब ये मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड में ही आते हैं, तो मतलब उससे आप घबराइए मत। ये फुल टाइम का स्टडी है जो कि UG है और इसमें आपको लगती है फीस 65,000 रुपये। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगा। और इसमें कॉलेज की बात करते हैं तो इसमें MSc भी उपलब्ध है, आपको MSc इसमें आप MSc कर सकते हैं, जो कि आप BSc नर्सिंग के बाद MSc कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब मेडिकल फील्ड में जैसे नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, ऐसे MSc ऑफिसर भी बनते हैं, जिसकी जॉब अच्छी है और सैलरी भी अच्छी मिलती है, इसमें गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांस होते हैं। तो इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो ये भी फुल टाइम जो कि है फुल टाइम है, मतलब पर डे रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें 1,00,000 तो एक इसमें लगेंगे 1,48,000 रुपये, जो कि पर ईयर का कोर्स है, इसमें आपको 1,48,000 रुपये खर्च होगा आपका।
तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। तो इससे हमें आप लोगों को उत्साहित मिलती है, जिससे कि हम आप लोगों को पता लगे कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, जिससे हमें मॉडिफाई नहीं मिलता है, इससे हमारे चैनल के ट्रैफिक बढ़ता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते जाएं और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर वो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।